डियर स्टूडेंट, टुडे वी लर्न पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में क्या होता है, अभी कितने पार्ट होते हैं, अभी फोर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में आप क्या करते हैं, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्या यूज करते हैं, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये तो अफर्मेटिव में होता है। नेगेटिव क्या होता है, अभी डिड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और दो नंबर पार्ट होता है इसका पास्ट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज होते हैं, अभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज होता है, अभी आईएनजी यूज होता है। एक वचनकर्ता के साथ में वॉज और बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब का प्रयोग होता है। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग होता है, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, अभी थर्ड फॉर्म यूज होती है। और फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, अभी हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज होता है, अभी आईएनजी का प्रयोग होता है। अगर आप कक्षा 9th से 12th तक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अलग अलग कोर्स भी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9 से 12वीं तक जितना भी इंग्लिश ग्रामर है वो हमारे ऐप प्ले स्टोर पर जाके या हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए आप, JR क्लासेज, वहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा बहुत ही उचित रेट में और बड़े ही ईजी तरीके से समझाया हुआ फुल एक्सरसाइज के साथ में। तो वहाँ से आप क्रिएट खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पहला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट विद करेक्ट अल्टरनेटिव। उचित विकल्प का चयन करते हुए आप खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, उसमें आपको सही फॉर्म भरनी है वर्ब की। यस्टरडे, स्टार्टिंग में देखो एक शब्द आया हुआ यस्टरडे, ये एडवर्ब है। क्या बच्चों, एडवर्ब है क्रिया विशेषण। और ये क्या डिनोट करती है, भी क्या कहती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की मांग करती है। अगर किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाता है वाक्य के आरंभ में या लास्ट में, तो वो पास्ट सिंपल टेंस में जाता है, तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। माय फादर ब्रिंग ए न्यू वॉच फॉर मी, कल मेरे पिताजी मेरे लिए एक नई घड़ी लेके आए, तो आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अभी ब्रोट, ये डी ऑप्शन सही होगा, ब्रिंग ब्रोट, ब्रोट होती है। तो यस्टरडे आ गया तो इज एमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, हेड ब्रोट भी नहीं आएगा क्योंकि ये यस्टरडे पास्ट सिंपल में जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो भी, आई ब्रेक्ट वॉच न्यूज़ ऑन टीवी वाइल, जबकि, अब ये एक कंजेक्शन दिया हुआ है। देखो भी, माई मदर वॉच प्रिपेयरिंग लंच, अगर सी सेंटेंस दो सेंटेंस के मध्य में वाइल आ जाता है तो एक तरफ वॉज वर आईएनजी आता है तो दूसरी तरफ भी वॉज वर आईएनजी का ही प्रयोग होता है। कई बार कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें एक तरफ क्या आता है, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, दूसरी तरफ वॉज वर आईएनजी आता है। अब ये क्या होता है, अभी अगर दोनों सेंटेंस कंटिन्यू चल रहे हैं तो आप वॉज वर आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। अब देखो भी, मैं आई वॉज वॉचिंग न्यूज ऑन टीवी, मैं टीवी पर समाचार देख रहा था जबकि मेरी माताजी दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। दोनों सेंटेंस कंटिन्यू चल रहे हैं, दोनों काम जारी हैं। यहाँ पर माताजी लंच तैयार कर रही है और मैं यहाँ पर टीवी में न्यूज़ देख रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप दोनों तरफ वॉज और आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आई वॉज वॉचिंग, ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। कई बार यहाँ पर क्या, अभी वैन आता है, क्या आता है, अभी वैन आता है। और कई बार क्या आता है, अभी एज आता है। वैन वाले में आप याद रखना, हमेशा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, सेकंड सेंटेंस में वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। वैन वाले सेंटेंस में एक तरफ सेकंड फॉर्म होती है, जो सेंटेंस जो कार्य अचानक हो जाता है और दूसरा कार्य जारी रहता है उसी दौरान। जैसे मैं सड़क पर जा रहा था, अचानक मैंने सांप देखा, अब देखने का काम अचानक हुआ, मैं जा रहा था, या कोई व्यक्ति जा रहा था
अचानक गिर गया, तो गिरने का काम क्या हुआ, अभी अचानक हुआ तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाती है, और जो काम चालू था गोइंग तो वहाँ पर वाजवर आईएनजी आता है। नेक्स्ट देखिए, तीन नंबर सेंटेंस है, रम्या फिनिश हर होमवर्क बिफोर हर मदर रिटर्न फ्रॉम होम। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, देखो रिटर्न, तो आप सेकंड फॉर्म देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये टेंस पास्ट टेंस का है और इसमें पास्ट टेंस की फॉर्म ही आएगी, तो इसमें बी ऑप्शन और सी ऑप्शन पहले ही कट हो गए क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। पास्ट टेंस के साथ में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ दो में से इनमें से एक वर्ब आएगी। अब बिफोर का अर्थ होता है पहले, इसमें एक कार्य क्या भी बहुत पहले समाप्त हो चुका था और इसके बाद में दूसरा कार्य समाप्त हुआ है। जैसे रामा राम्या अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी पहले, जिसकी उसकी माँ ऑफिस से लौट के आती उससे पहले राम्या है वो अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, अभी बिफोर का अर्थ पहले होता है। बिफोर वाले सेंटेंस में यहाँ पर पहले हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस में क्या आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। याद रखना बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ क्या होता है, अभी बाद में, तो आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आती है और बिफोर के पहले हेड थर्ड आती है। बिफोर का अर्थ क्या होता है, अभी पहले, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, आफ्टर के पहले सेकेंड फॉर्म आती है। ये याद रखना, बिफोर में और आफ्टर में इतना अंतर होगा, इसके बाद में सेकेंड फॉर्म, इसके पहले सेकेंड फॉर्म, इसके पहले हेड थर्ड, इसके बाद में हेड थर्ड। यहाँ पर भी यही दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो इसके पहले क्या आ जाएगा, अभी हेड थर्ड आ जाएगा। द फार्मर लिव इन हट फॉर लास्ट 15 ईयर्स। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, इसमें इससे कोई पता नहीं चलता। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें क्योंकि फोर सिंस प्लस में टाइम आया हुआ है, तो ये प्रत्येक प्रेजेंट के पास्ट के फ्यूचर के चौथे पार्ट में जाएगा। फोर अगर सिंस प्लस में टाइम आ जाता है तो वहाँ पर आप हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से एक क्रिया का प्रयोग करें, आईएनजी तो आई आएगा। परंतु आगे सेंटेंस देखो, भी लास्ट संडे, अब ये एडवर्ब दी हुई है जो पास्ट को डिनोट करती है, यहाँ पर पास्ट टेंस आया है तो आप यहाँ पर हेड का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका अर्थ क्या बनता है, अभी एक किसान है वो 15 साल से एक झोपड़ी में रह रहा था, लास्ट संडे वह चला गया, उसको छोड़ दिया झोपड़ी को एंड शहर में रहने के लिए चला गया। तो यहाँ पर देखो अभी भूतकाल की बात हो रही है तो आप यहाँ पर हैड बीन लिविंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए अभी, अब क्या, अभी यहाँ पर रीड द आउटलाइन, कुछ आउटलाइन दी हुई हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द स्टोरी। अब एक कहानी को कंप्लीट करना है, एक आप याद रखना जितनी भी स्टोरी होती हैं वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं, मतलब वहाँ पर पास्ट फॉर्म का ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात पास्ट टेंस का यूज होगा। जैसे देखो भी, एक करो एक कौवा सिट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था, तो यहाँ पर सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अभी सेट, भूतकाल की बात हो रही है। इट हैज ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था, तो हैज की क्या है, अभी हेड। आफ्टर समटाइम्स कुछ समय बाद में ए फॉक्स एक लोमड़ी केम अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे आई, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, केम, कम केम कम, सिट सेट सिटन, हैज हेड हेड। सी सा द क्रो विद द पीस ऑफ ब्रेड, उसने रोटी के टुकड़े के साथ में कौवे को देखा, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अभी एस ए डब्ल्यू सा, थर्ड फॉर्म होती है एस डबल ई एन सीन, सा सीन। She want to get that piece of bread, वह इस रोटी के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती थी, या want की सेकेंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा, अभी डब्ल्यू ए एन टी ई डी, वॉन्टिड, क्या आएगा अभी, वॉन्टिड। सी उसने, सी थिंक ऑफ एन आइडिया, उसने एक योजना सोची,
थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, थिंक थॉट, थॉट होती है टी एच ओ यू जी एच टी होती है सेकंड फॉर्म थॉट। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी जरूरी है। सी सेड टू द क्रो, उसने कौवे से कहा यू लुक वेरी ब्यूटी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर दिखते हो। डेफिनेटली निश्चित रूप से यूअर वॉइस मस्ट बी मिलोडियस, आपकी आवाज़ भी बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एस ए आई डी सेड, से सेड सेड। आई वॉन्टिड टू लिसन यूअर स्वीट सॉन्ग, मैं आपका मीठा गीत सुनना चाहती हूँ। आपकी आवाज़ ही मेलोडियस मतलब मधुर होगी। यहाँ पर वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी, वांटिड। प्लीज कृपया सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए के गाना गाओ। द क्रो बिकेम प्राउड टू लिसन हिज प्रेज, कौवा है ना वो अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से भर गया या घमंडी बन गया। बिकेम, बिकेम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिकेम। नो सूनर इट ओपन्ड इट्स बीक टू सिंग ए सॉन्ग, जैसे ही उसने अपनी चोंच गाना गाने के लिए खोली। ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी, ओपन्ड। द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा फेल ऑन द ग्राउंड, मैदान में गिर गया। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है एफ ई डबल एल फेल, और थर्ड होती है फॉलन। द फॉक्स पिक्ड इट अप, लोमड़ी ने उठा लिया। पी आई सी के ई डी पिक्ड, उठा लिया। एन एंड, यहाँ पर एंड है, और रेन अवे, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, और भाग गई। द क्रो वाज, इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी, वॉज, वेरी सैड, कौवा बहुत दुखी था। तो बोरल क्या बनता है अभी, डू नॉट बिलव इन फॉल्स प्रेजेज, झूठी प्रशंसाओं पर विश्वास मत करो, यहाँ पर डू नॉट आएगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।